नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शुभम कुमार। 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद अब स्वर्ण समाज एक बार फिर बगावती तेवर अपना रहा है। सबसे पहले भूमियार ब्राह्मण एकता मंच ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के मुख्य संरक्षक आशुतोष कुमार ने इस अध्यादेश को मंजूरी देने के खिलाफ आगामी 15 मार्च को बिहार और झारखंड बंद करने का फैसला लिया है। आशुतोष कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार को स्वर्णों की कोई चिंता नहीं है और वह वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ऐसे में अब स्वर्ण समाज को आगे आना होगा। सुनिए क्या कहा आशुतोष कुमार ने। कुछ दिनों पूर्व ही केंद्र की सरकार द्वारा SC ST एक्ट में अध्यादेश लाया गया था, मतलब आप कह सकते हैं कि सवर्णों के गले में एक फांसी का फंदा लटकाया गया था। जितना हो सका हम लोगों ने विरोध किया और इसका विरोध देखने को भी मिला है और एहसास भी हुआ है। बावजूद इसके ये सत्ता लोलुप सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं, कुछ समझने को तैयार नहीं। सवर्णों का वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं, सवर्णों का इस देश में कोई वैल्यू नहीं। हर रोज सवर्ण समाज के खिलाफ एक नया अध्यादेश लाया जा रहा है। अब ये नया नौटंकी 13% रोस्टर के खिलाफ अध्यादेश लाया गया, तो अब क्या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, जज, कलेक्टर ये सब जाति देखकर आप बनाएंगे और ऐसे करेंगे भारत का विकास? ऐसे भारत को बनाएंगे आप विश्वगुरु? ये देश के खिलाफ है, देश के साथ गद्दारी है। अपने सत्ता के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में आप लोग देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं और देश में गृह युद्ध की तैयारी करवा रहे हैं। मैं आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से इस अध्यादेश के खिलाफ, और कई संगठनों से हमारी बात हो रही है और कई संगठनों के अध्यक्षों से हमारी बात हुई है, सबकी सहमति से आगामी 15 मार्च को बिहार झारखंड बंद का आह्वान करता हूं और पूरी तरह से बंद, जिस तरह से राजद, कांग्रेस या विपक्षी दलों ने दलित संगठनों के बंद का समर्थन करके सरकार पर दबाव बनाया। तो जब सरकार प्रेशर में ही पॉलिटिक्स करती है, दबाव झेलना इनको पसंद है, तो फिर सवर्ण समाज भी दबाव बनाएगा और अपने अधिकार के लिए देश हित में आगामी 15 मार्च को बिहार झारखंड पूरी तरह से बंद रहेगा।